व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अर न्यू ब्लॉग गाइस। अभी ना मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। कई बार मिर्ची कितनी तेज होती है ना, हरी मिर्च, तो हरी मिर्च काटी, हाथ वाथ धो चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है। फिर मैंने ना लिप बम लगाई, अभी तक जल रहा है लिप मेरा। कभी कभी कितनी तेज मिर्ची होती है ना, आई मीन लगा सकता हूँ, मुँह धो सकता हूँ या पता नहीं कुछ चीज़ लगा सकता हूँ, बट ठीक हो जाएगा। बट मैं जा रहा हूँ अमेजोन का रिटर्न करने, क्योंकि जो पीछे बल्ब बल्ब मंगवाया ना, तो अब जो नहीं चले उनको लौटा रहा हूँ जाके। और आज गाइस डिलीवरी आ रही है, आज हमारी ना ब्रेकफास्ट नुक की टेबल आ रही है, गोल्ड टेबल मंगवाई थी हमने, तो वो आएगी डिलीवरी, फिर दिखाता हूँ आपको उसका। ये दो पैकेज हो गए हैं, तो एक में बल्ब है क्योंकि बड़ा बड़ा डब्बा था वो, और एक में बताएंगे क्या ईशिता ने पैक किया है। ये दोनों सामान मैं लेके जा रहा हूँ। बड़ी आप घर में आराम कर लो, के मैं भी आता हूँ। लगे आता ना गाइस, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट पास में ही है ना उसके, तो पानी भर लाऊँगा। ये ना 500 एक क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर, बड़ा मस्त क्लीनर होता है जर्म्स वगैरह मारने के लिए। तो ये मैं कॉस्को पे बढ़िया मिल गया, तो मैं ये वॉलमार्ट पे लौटाने वाला हूँ। सील पैक्ड है, खुला ही नहीं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ गाइस, मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ना लौटते हुए दूध ले आऊँ, दूध और दही। तो उसके लिए मैंने वैसे तो ये थर्मल वाले रखे हुए हैं, ये भी थर्मल वाला बैग है, गंदा है बस बाहर से, वरना ये अंदर देखो ये थर्मल वाला बैग है। पर एक टिप और आपके लिए, टिप ये है गाइस कि कोई ऐसे ना जेल पैक जो फिर फ्रीज़र में डाल के ठंडा हो जाता है ना, ऐसा जेल पैक भी डाल लो उनके साथ, इसके अंदर या फिर उस डब्बे के अंदर, ताकि जो सामान आप लाओगे ना, जैसे दूध वगैरह लाऊंगा मैं, तो वो रास्ते में भी, ऑल दो थर्मल है बैग, पर इसके साथ है ना अभी भी ठंडा रहेगा। ओके, ले लिया दूध, ले लिया दही, ले ली और आइस आइस पैक, इससे ठंडा रहेगा। चलो घर चले, डिलीवरी आने वाली गाइस। गाइज लग गई हमारी ब्रेकफास्ट नुक की डाइनिंग टेबल, मतलब ब्रेकफास्ट टेबल की शुरुआत डाइनिंग टेबल, बट एनीवे बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बड़ी है, 5 फीट की है, 5 फीट डायमीटर में गाइज, तो साइज वाइज तो बहुत अच्छा आ गया। टेबल हमने चेयर्स नहीं ली गाइज, बस आपको बताता हूँ स्टोरी क्यों। तो गाइज चेयर्स का क्या हुआ था कि चेयर जो इसके साथ की मैचिंग चेयर्स थी ना, बहुत ही हार्ड थी। जब हम स्टोर में गए ना, तो नेब्रास्का से लिए, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट NFM करके जो स्टोर है यहाँ पर, उससे लिए, और बहुत ही हार्ड चेयर थी इसकी, हमें बैठ के देखा मज़ा ही नहीं आ रहा था बैठने में। तो हमने कहा मैं नहीं ले रहा ये वाली यार, क्योंकि मोस्टली तो यहीं बैठना होगा ना, किचन में कुछ ना कुछ बनाया फटाफट आके खा लिया, अब तो चेयर तो अच्छी होनी चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट। तो हमने कहा पेयर अपने आप बना लेंगे बाद में, कहीं और से ले लेंगे, किसी और स्टोर से ले लेंगे, बट टेबल ले लो, टेबल अच्छी है। तो टेबल तो ले ली, और कोई बंदे आके इंस्टॉल करके चले गए, बहुत 200 पाउंड की चेयर है, 100 किलो से कम लगा लो। हाँ, सिर्फ टेबल टेबल बाय द वे 200 पाउंड लगा लो आप, 90 किलो के करीब करीब की होगी ये ओनली टेबल, इतनी महंगी महंगी कर रहा हूँ, इतनी हैवी है, तो अच्छा है, लगा के चले गए। और देखो इतना बड़ा तो इसका डब्बा ही डब्बा है सिर्फ ये। और पता है डब्बा क्या होता है, डब्बा लेके नहीं गए, वो डब्बा हम ही बल्क पिकअप में डाल देंगे ना, बहुत बड़ा डब्बा है, ट्रैश बिन तो आएगा नहीं, बल्क पिकअप में डालेंगे, वो एज इट इज ले जाएंगे इसका। बाकी टेबल देख लो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है ना, बहुत हैवी है। ना नीचे रख वर्क लगाएंगे, चेयर्स आएंगी तो अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी फिर बाद में। मुझे साइज बहुत अच्छा लगा, सही है, बढ़िया। गाइस ये 6 चेयर का टेबल है, इसमें 6 चेयर थी जो ओरिजिनली आ रही थी, जो हमने मना कर दिया, बट आई थिंक हम तो 4 ही लगाएंगे रजत। हाँ, हमें तो 4 से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हमारी बड़ी टेबल तो हाँ हाँ हाँ, हमें तो बस 4 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सही है, स्ट्रॉन्ग है टेबल, बहुत अच्छी लगी मुझे, अच्छी स्ट्रॉन्ग टेबल है। और अभी तो कलर बिल्कुल मैच मैच सा कर रहा है ना, तो रग लगाएंगे क्या थंबनेल के लिए रग लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, लाइट जला के ठीक लग रही है। और अरे गाइस एक कमेंट आया था शिवा, तुझे तुम्हें पता है, एक कमेंट आया था कहता कि ऐसे ये जो टंगा हुआ है इससे सर पे नहीं लगता क्या, तो गाइस टेबल नहीं थी ना इसलिए सर पे लगता था, अब नहीं लगेगा क्योंकि टेबल आ गई है। मेरे तो नहीं लगता था, मैं तो नीचे से छोटी सी है ना, नीचे से निकल जा रही है। गाइस आपको दिखाऊं चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है, खा गया हल्का सा थर्माकोल का दाना था इसके दाढ़ी में, खा गया, वो होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, खा गया ना तू, मना किया ना तेरे को थर्माकोल नहीं खाने, बस बदी। अरे कैसे सो रहा भाई, तेरे को किसने बताया नहीं हॉरिजॉन्टल सोते हैं बेड पे, ना कि वर्टिकल। हाँ फिर कहेगा छोटा बेड है बड्डी, उधर सो जा उधर है हॉरिजॉन्टल, देखा मैं ठीक करता हूँ। तो मुझे पहले
ऐसे सोते ठीक है, जमीन पे नहीं सोते, आधा कमर में दर्द हो जाएगा। खुश तू भी सोचा अपने बेड पे जमीन पे सोता रहा। बड़ी तो से किंग की तरह जैसे बैठा है ना, हाँ महाराजाओं की तरह। कैसे एटिक में होके आते हैं, थोड़ा सा स्केरी मामला है। मैं कम ही जाता हूँ, वैसे तो चला जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं सोचा आप लोग चलेंगे साथ में तो डर कम लगेगा। तो एक्चुअली एसी के फिल्टर चेक करने हैं मुझे, क्योंकि इस घर में आए हुए 3 हफ्ते तो हो ही गए और एसी के फिल्टर पता नहीं गंदे हैं या साफ हैं, तो वो चेंज करने की सोच रहा हूँ मैं। टॉर्च लाइट ले ली है, चलो चलते हैं, देखते हैं एटिक कैसा है। वैसे तो तीन चार जगह है एटिक, अलग अलग दरवाजों से है, बट हम उस वाले में जाएंगे जिसमें एसी है। तो देखते हैं फिल्टर कैसा है और एटिक कैसा है अंदर से। टैडी तू क्यों आ रहा है, तू जाएगा क्या एटिक? डर लग जाएगा भाई तेरे को भी। चला जा, मेरी प्रोटेक्शन के लिए कोई तो होगा ना साथ में। आ जाते हैं, कम तू भी जाएगा एटिक। टैडी टैडी भी आ गया एटिक। चला टैडी ऊपर वाले एटिक जाएंगे। अच्छा टैडी बैठ जा, मैम देखिए चलो हो गया। आ जा भाई, आ जा। ओके टैडी हट जा, यहीं बैठ जाओ। ओके मैं भी आ रहा हूँ। वैसे बहुत गलत दिन चुन रहा हूँ मैं ऊपर जाने के लिए, बहुत गर्मी हो रही है एटिक में। एटिक में तो गर्मी होती ही है गाइस। लाइट भी ले ली मैंने वैसे एक, और यहाँ पे है बल्ब। किधर है लाइट? ओके लेट्स सी। अरे एयर फिल्टर तो पड़ा है एक ऑलरेडी, 20x25x4 का। लेट्स सी और किधर होता है। ओके अब हम आ गए ऊपर। तो गाइस ये होता है एटिक, देख लो आप। डरने वाली बात नहीं है बट यू नो फिर भी नहीं आते हम। तो ये है एसी सिस्टम आई बिलीव, ये दोनों सारी जो इसकी वो जा रही हैं, और ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी लाइट ले आया हूँ। ये इंसुलेशन होती है गाइस, तो देख लो एटिक कैसा होता है। और ये बहुत गर्मी वाला है क्योंकि ये ऊपर है बिल्कुल रूफ में इस समय छत पे, और इस तरफ भी आप देखोगे कैसे मोटे मोटे पाइप्स हैं। अरे वायरिंग भी है, इलेक्ट्रिक पोर्ट है। यहाँ से हम ऊपर आए, टैडी तो नहीं होगा, टैडी तो चला गया होगा। नेवर माइंड लेट्स सी। ओके ऑल गुड। तो आई एम नॉट श्योर, अभी वाला फिल्टर एक्स्ट्रा है वैसे, तो हो सकता है ये लग जाएगा इसके अंदर। चल के देखते हैं। वॉच हेड, ऊपर कुछ भी लग जाता है। ओके मैं फिगर आउट करता हूँ गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके टैडी तो भाग लिया क्योंकि वो बैठा सामने। टैडी टैडी छोड़ गया ना तू मेरे को एटिक में ऊपर, भाग लिया डरपोक। चलो दूसरा एटिक देखते हैं। तीन चार एटिक है ना, लाइक तीन चार अलग अलग है, तो मैं सोचो आपको दिखा दूँ कैसा होता है एटिक अंदर से। ये भी इंसुलेशन वाला है, ये वॉक इन नहीं है। एक हमारे पास वॉक इन भी है, उस पर एक्चुअली आप चल सकते हो, स्टोर वो कर सकते हो चीज़ें, वो काफ़ी बड़ा है, वो अच्छा है। ओके तो ये वाला एटिक है वॉक इन एटिक, तो ये होता है गाइस। ये देखो आप इस पर ये स्टोरेज वोरेज कर सकते हो, हमने कर रखा है, थोड़े से लगेज बैग्स यहाँ डाल दिए, डब्बे डाल दिए, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बॉक्सेस डाल दिए, एक आधा बड़े बड़े बैग डाल दिए। तो ये देखो ये बिल्कुल अलग है, इसमें इंसुलेशन के ऊपर कार्डबोर्ड सा लगा हुआ है जिस पर चल सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, ये काफ़ी बेटर है। यू नो एक यूजबल स्पेस ही हो गई वाली, तो ये भी एक एटिक है गाइस। ओके हम बैक इस वाले एटिक में। ये वाला है गाइस फिल्टर डोर। तो देखो मैंने यूट्यूब किया कैसे खोलते हैं, इसको खींचना है बस, खुल जा सिम सिम, खुल गया ऐसे। ओप्स सॉरी। तो ये देखो ये रहा पूरा फिल्टर एज इट इज़, तो बस इसको चेंज कर दो, देखता हूँ कैसे क्या हालत है इसकी। तो आप देखोगे तो पीछे से देखो वो है सारा एसी का इनटेक, तो सारी गर्म हवा वहाँ से खींचता है और यहाँ फिल्टर के थ्रू यहाँ नीचे कहीं जाती होगी कंडेंसर पे ना, फिर वो पूरा सर्कुलेट करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट गाइज आपको और बोर्ड नहीं करूँगा, बट मैं सोचा फिल्टर चेंज कर लूँ एटिक में जाके, तो आपको एटिक का टूर करा दूँ।
बडी डैडी देखो मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आ गया आवाज, देखो बताओ कहाँ बडी। देखने का कैसा काला हो रहा है, वो नया फिल्टर है वाइट, ये देखो क्या काला हो रहा है। हो सकता है काले ही रंग का हो, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये वाइट था और ये काला हो गया। मैं तो एनीवे चेंज कर रहा हूँ, और दो एसी हैं घर में तो दोनों के फिल्टर चेंज कर दूंगा। गाइज देखें क्या हो गया, ये फिर टूट गया। रिमेंबर पहले एक बार ये हमारा कोक की बॉटल का भी टूटा हुआ है, अब इसका भी टूट गया। कैसे खोलूँ अब इसको, समझ नहीं आ रहा। चलो कैन ओपनर को बुलाएं। कैन ओपनर, कैन ओपनर, हाँ आपको ही तो बुला रही हूँ तब से। कैन ओपनर, कैन ओपनर, ये फिर टूट गया। रिमेंबर पहले भी टूटा था। ये कहाँ से आती है, चाइना से मंगाएंगे पता नहीं, लेकिन ये टूट गया। याद है लास्ट टाइम कैसे खोला था, ओपनर से खुलेगा। नहीं वो तो आप हो कैन ओपनर। तो आई रिमेंबर लास्ट टाइम आपने कुछ और इंतजाम किया था। कैन ओपनर देती हूँ, चलो रजत को पता तो है किचन में सामान कहाँ पड़ा है। लेट्स सी, ऐसे याद आया जब इंडिया इंडिया गए थे ना, तो इंडिया इस बार तो महीना रह के आए थे हम लोग, तो महीना पर रह लिया फिर भी याद नहीं आता चम्मच कहाँ है, प्लेट्स कहाँ है, कटोरी का याद ही नहीं रहता। हाँ क्योंकि आप किचन में जाते नहीं थे ना, मुझे तो सब याद हो गया था। बाबू आपके लिए नहीं है, देखने इसको खुल रहा है। हाँ ये नहीं खुलेगा, अच्छा तो ये तो मैं ही कर लेती, पर आदत पड़ गई ना तुम्हें अब। ओह अच्छा ये तो मैं भी, अरे ये दूसरी है, ये स्टिक्स में नहीं है। रिमेम्बर आप डिफरेंट लाए हो इस बारी, अच्छा क्योंकि हम ब्राउन वाला एक कैन था वो लाते थे, कलेजी सोया चाप तो बनी थोड़ी ना है, तो अच्छा ये चाहिए कटी कटी पीस में, इसलिए इसलिए महंगी भी थी क्योंकि कटी हुई ऑलरेडी स्टिक में नहीं है। मतलब आई गेस हम स्टिक फेंक देते, पैसे कम ले लेते ना, स्टिक फेंक देते हम लोग। बट चलो सही है, खोल दिया रजत ने। ओके देखिए जरा सब्जी बन गई है गाइस, चाप सोया चाप बनाए शिल्पा ने आज। ओ पानी इसमें नहीं डालते, नहीं क्यों, ओ सॉरी, चलो मेरी गलती, आई अपोलोजाइज, बट बढ़िया लग रही है देखने में, पनीर पनीर जैसा लग रहा है, बट ऑब्वियसली वो तो कटे कटे आए थे ना, कलेजे थे स्टिक में नहीं थे, यम्मी और नहीं शेप वैसी है ना काटने वाली, बट हाँ चलो क्योंकि यूजली चाप स्टिक में होती है ना तो वैसे खाते हैं, बट इट्स ओके अच्छा लग रहा है, यू नो इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट राइट, जाना तो पेट में ही है। गाइस वीडियो करते बंद, काफ़ी लंबी हो गई है आई थिंक, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।